यानी पूरा संचय। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से r लेने हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप लेना है तो उनका कॉम्बिनेशन, उनका संचय क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? एन माइनस आर। एन में से अपन ने आर लिए तो बचे क्या हो गए? जो शेष ऑब्जेक्ट है एन माइनस आर, तो एल सी एन माइनस आर इसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो एल सी एन माइनस आर को कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये जो होता है अपन इसको यू लिखे या सी एन आर लिखे सेम बात होती है, ऐसे इसको भी अपन सी बाहर जो बड़ा है वो ऊपर है आगे आएगा एन, ये एन माइनस आर यू लिखे यू लिखे। इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है सी एन आर इक्वल्स टू सी एन एन माइनस आर, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे सेकेंड कंडीशन जो है अपने पास सी, इसका प्रूफ भी है क्या हो जाएगा अगर इसकी लेफ्ट साइड को ओपन करें? सी एन आर कितना होगा? फैक्टर एन एन माइनस आर फैक्टर एन, और राइट हैंड साइड को ओपन करें तो क्या होगी कंडीशन? सी एन एन माइनस आर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है? लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो यू लिखे हैं या यू लिखे हैं सेम बात होती है। फिर इसका सेकेंड है सी एन आर प्लस सी एन आर माइनस वन इज इक्वल टू सी एन प्लस वन आर, ये इक्वल है। ध्यान से देखना दोनों में एन सेम है, दोनों में एन सेम है, इधर आ रहा है एक कम हो रहा है आर माइनस, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? सी इसका एक वन बढ़ जाएगा एन प्लस वन और ये आर की कंडीशन, तो आर और आर माइनस वन एक कम हो रहा है, दोनों एन सेम है तो एक एन में बढ़ जाती है कंडीशन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है सी एन आर सी एन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन, और ये कितना हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन और ये फैक्टोरियल आर माइनस वन। ध्यान से देखना इनमें अपन कंडीशन क्या लेंगे, ये एन माइनस आर प्लस वन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे और आर को इस फॉर्म में चेंज करा दें। फैक्टोरियल एन ये क्या आ जाएगी कंडीशन? एन माइनस आर इसको क्या लिख सकते हैं? आर फैक्टोरियल आर माइनस फैक्टोरियल एन इसको क्या लिख सकते हैं? एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्ट।
ट्वेल्व आर माइनस वन, दो दो का कॉमन निकाल ले, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर माइनस वन, तो ये बच जाएगा वन अपॉन आर, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये एलसीएम ले तो एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, आर एन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल, जैसे देखना एन प्लस वन इधर ले, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल है, ये भी इसके साथ लिख दो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन, क्योंकि इसको बाहर ले तो एन प्लस वन एक फैक्टोरियल टर्म होता है, इसमें भी किसका बनेगा एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर, और ये आ गई अपने लेफ्ट हैंड साइड, आप सॉल्व करें अपन राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सी एन प्लस वन आर, यानी फैक्टोरियल एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, प्लस कीजिए प्लस हुआ फैक्टोरियल आर, ये सेम ही है, एन माइनस आर प्लस वन को एन प्लस वन माइनस आर लिख सकते हैं, ये आ गई लेफ्ट हैंड, यस थर्ड कंडीशन है एक ही बॉक्स में से स्वेच्छापूर्वक यानी आर्बिट्री है ना, आर्बिट्री कितनी बॉल्स रखी जाए, कितनी बॉल्स रखी जाए कि आर बॉल्स जो है एन नंबर के बॉक्सेस में रखने के बाद, एक ही बॉक्स में स्वेच्छ कितनी बॉल्स रखी जाए कि आर बॉल्स जो है टोटल क्या है आर एन नंबर के बॉक्सेस में रखने के बाद, पहले मैं एक ही बॉक्स की बात कर रहा, कितनी बॉल्स रखी जाए कि आर बॉल्स जो है एन नंबर के बॉक्सेस में, आप बॉक्सेस कितने हो गए एन के, रखने के बाद क्या हो जाएंगे एन प्लस आर, एक को फिक्स कर देंगे तो एन प्लस आर माइनस वन, कितनी बॉक्स रखनी है आर, कितने तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल एन प्लस आर माइनस वन, फैक्टोरियल एन प्लस आर माइनस वन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, क्लियर, ये आ जाएगी कंडीशन अपने पास, तो हो गया फैक्टोरियल आर और ये कंडीशन, और फिर है टोटल नंबर ऑफ, तो यहां अपन क्या बोल रहे थे एक ही बॉक्स में आर्बिट्री कितनी बॉल्स रखी जाए कि आर बॉल्स के लिए, एक बॉक्स के लिए आर बॉल्स है तो एन नंबर के बॉक्सेस में रखने के कितने मेथड होंगे, एक बॉक्स के लिए आर बॉल्स निकालनी है तो एन बॉक्सेस के लिए क्या होंगे टोटल बॉक्सेस है आर बॉल्स रख दिए, ए को फिक्स कर दिया तो एन प्लस आर माइनस वन, सारे बॉक्सेस में से आर बॉल्स निकाल दो तो एन प्लस आर माइनस वन, और ये आर की कंडीशन उनका कॉम्बिनेशन, ये अब ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ये दूसरा बता रहा है असमान वस्तुओं के सभी संभावित संचल की कुल संख्या, ये वाला ध्यान से समझना, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उनमें से एक से अन तक सभी को लेके बनने वाले कॉम्बिनेशन, यानी एन ऑब्जेक्ट्स है तो एक से लेकर जैसे मान लो फाइव बॉल्स है,
फाइव बॉल्स में से पहले एक बॉल निकल लीजिए, फिर दो निकल लीजिए, फिर तीन निकल लीजिए, चार निकल लीजिए, पांचों उनसे बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन है ना, बनने वाले कॉम्बिनेशन की कुल संख्या। या ऐसी को लेने बोल रहा है, एन वस्तुओं में से एक ही टाइम पर पहले वन लिखे टू लिखे थ्री एन ऑब्जेक्ट्स को लेके बनने वाले टोटल कॉम्बिनेशन। एन बॉल्स में से एक निकली उनका कॉम्बिनेशन, प्लस एन में से टू निकली, एन में से थ्री निकली, एन में से एन निकली, इन सभी का टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, टू की पावर एन माइनस वन की फॉर्मूला। यस, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स यानी 10 फूलों में से चार फूल भगवान को चढ़ाने के लिए कितने प्रकार से चुनने हैं, ना 10 फूल है। जब इस तरह की कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट होता है तब ए बी और बी ए अलग अलग होते हैं। अब फूल है, फूल में लगे 10 में से चार फूल लेके भगवान को चढ़ा, तो वो ग्रुप्स बना दिए, तो ग्रुप्स के लिए हमेशा क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे क्या है, 10 फूल है तो एन क्या है 10 और आर यानी कितने चढ़ाने हैं 4, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये एन सी आर यानी 10 सी फूल है ना। कॉम्बिनेशन क्यों लिया, क्योंकि ग्रुप आ गया, अरेंजमेंट होता तो अपन क्या लेते हैं परम्यूटेशन, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वहां तक ओपन करेंगे, ये फैक्टोरियल 6 आ जाएगा फैक्टोरियल 4, तो इसको अपन 6 तक ओपन करें 5 ये 10 9 8 7 और ये फैक्टोरियल 6, क्लियर पढ़े पढ़ते पहले, और इसको इसको भी ओपन कर लें 4 3 2 1, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे तुम्हारे पास 2105, यानी 10 फ्लावर्स के सैंपल को अगर 8 लेने हैं भगवान को चढ़ाने के, उसके कुल कितने तरीके होंगे, 210 की कंडीशन। फिर एग्जांपल सेकंड है, आउट ऑफ 7 मेन है ना और 4 वुमेन है, तो 7 आदमी है और 4 औरतों में से 6 सदस्यों की समिति, समिति का मतलब ग्रुप होता है ना, कितने प्रकार से बनाई जाएगी, प्रत्येक समिति में कम से कम 2 वुमेन्स होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या है, 7 तो मेन है, 4 कितने हैं वुमेन है, क्लियर। टोटल कितने हो गए, 7 प्लस 4 यानी 11, क्लियर। अब अपने को क्या कंडीशन बोल रहा है कि 6% का एक ग्रुप बनाना, 6% का समिति का मतलब ग्रुप बनाना, उनमें कम से कम एटलीस्ट कितनी वुमेन्स होनी चाहिए, 2, तो ये इसके बनाने के तरीके क्या हो जाएंगे, एन ग्रुप्स के तरीके, फर्स्ट है 2 वुमेन एंड 4 मेन, सेकेंड है 3 वुमेन एंड 3 मेन, 6 का बनाना है ग्रुप, कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी वुमेन है 4, तो 4 वुमेन एंड 3 क्या 2 मैन, क्या 4 वुमेन हो सकती है, 4 तो होगी 5 हो सकती है, 5 का एन ज्यादा से ज्यादा कम से कम तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 4, क्लियर। तो इनसे
टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इनसे टोटल कॉम्बिनेशन क्या है देखना। टू वुमेन कितने में से रहने हैं, फोर में से टू लेनी है, ग्रुप वन फोर सीट इनटू सेवन में से कितने मैन रहने हैं फोर। यहाँ इनटू इसलिए लिखा जाता है जब ये एंड की कंडीशन होती है तो यहाँ इनटू होता है क्योंकि दो का ग्रुप बनाना, क्लियर। तो ये इनटू की फॉर्म में आएगा, तो फोर वुमेन में से अपन ने टू ली और सेवन मैन में से अपन ने फोर ले लिया। और दूसरे भी तरीके हैं तो प्लस ये कितना हो जाएगा, फोर में से थ्री लेना है, सेवन में से थ्री, फोर में से फोर, सेवन में से टू। इनको सॉल्व करके बताओ तो भी राइट है, नहीं तक रखो तो भी राइट है। उनमें अगर कॉम्बिनेशन वाले को ओपन करना था ना, ये है एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, wants to distribute gift packet of four items out of ten different items. दस तरह के अलग अलग आइटम्स हैं, उनमें से फोर के पैकेट बनाना था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फोर फोर टाइप्स के वो पैकेट बनाना चाहता है कि ये फोर टाइप का पैकेट बना दिया या तो चार चार तरह के वो पैकेट बनाना चाहता है। कितने आइटम्स है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के टेन आइटम्स है, उनमें फोर फोर टाइप्स के क्या बनाना चाहता है पैकेट। तो जो ट्रेडर है इन वस्तुओं के पैकेट कितनी प्रकार से बना सकता है, टोटल डिफरेंट थिंग्स कितनी है, कितने का ग्रुप बनाना चाहता है फोर, है ना। तो ये पैकेट बनाना चाहता है, आर कितना हो गया फोर। तो ये रह रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैकेट्स ले रहे हैं यानी वो ग्रुप बना रहे हैं ना, आप उन पैकेट में कैसे भी हो अरेंजमेंट कैसे भी हो, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा टेन सी फोर। टेन में से कितने के पैकेट बनाना चाहता है फोर के, तो ये फैक्टोरियल टेन, फैक्टोरियल टेन माइनस फोर फैक्टोरियल फोर, टेन नाइन एट सेवन फैक्टोरियल सिक्स एक्रोसिस, और ये क्या आ जाएगा टू वन जीरो। तो जब भी ग्रुप्स बना